हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M01 को आप लोग बैटरी बैकअप किस तरीके से इसमें इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस, इसमें ना आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 को ये जो आपका बजट फ़ोन है जो 5 से 6 थाउजेंड के अंदर आ जाता है, और इसमें ना गाइस बैटरी और चार्जिंग को लेकर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो चार्जिंग के और बैटरी के ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बना चुका है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। और फिर फटाफट से आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से बैटरी बैकअप को इंक्रीज़ करना होगा अपने सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर में, किस तरीके से आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको इंक्रीज़ करना होगा, सबसे मैं सेटिंग में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर स्मार्ट मैनेजर पर आता हूँ। आने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक बैटरी का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर बैटरी वाले पे क्लिक करता हूँ। और बैटरी वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बैटरी यूजेस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे मेरे सामने ऑप्शंस आता है। यहाँ पर यूट्यूब स्क्रीन, फोन आइडिया, यहाँ पर कॉल स्टडी, और यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम, वॉइस कॉल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, वॉइस, यहाँ पर इतने सारे एप्लीकेशन जो कि मेरे फालतू में यूजेस हो रहा है बैकग्राउंड में। तो इन सबको बंद कैसे करना होगा और आपके बैटरी को किस तरीके से इंक्रीज करना होगा बैटरी बैकअप को, तो सिंपली गाइज यहाँ पर सबको बैक होना होगा। बैक होने के बाद आपको क्या करना होगा, जो सारे आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल ऐप है उसको आप सबसे पहले अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो आपको पसंद नहीं है या आप फालतू के उसको डाल के रखा। जैसे कि गाइज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सैमसंग मैक्स हो गया, तो इसको मैं क्लिक करके रखता हूँ। एंड ऐप इन्फो में जाता हूँ। ऐप इन्फो में जाने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्टोरेज का, यहाँ पर स्टोरेज क्लीन पे आप लोग क्लिक करके इसको सारा का सारा इसका डेटा क्या है ना क्लियर कर सकते हो, यहाँ पर से क्लियर कर सकते हो। इनको क्लियर करने के बाद सिंपली बैक आना। बैक आने के बाद दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फॉरेस्ट स्टॉप या डिसेबल। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर मतलब आपका बैटरी खर्च हो रहा है ना, तो आप इसको सीधा डिसेबल कर सकते हो, या सिर्फ इसको यूज़ करना है आपको तो यहाँ पर फॉरेस्ट स्टॉप कर सकते हो, या उसके बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो बाद में, फिर इसको यूज़ करने के बाद फॉरेस्ट स्टॉप कर देना। या आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपका बैकग्राउंड में फालतू का पड़ा हुआ है, तो आप लोग इसको डिसेबल कर सकते हो और आपका इससे बैटरी बैकअप का इंक्रीज बढ़ेगा। तो ये मैं आपको बता दिया, हर वीडियो में बताता हूँ बैटरी या चार्जिंग वाले पे, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तब बताता हूँ। तो आपको सेकंड सेटिंग आपको क्या करना होगा, सिंपली गाइस मैं स्क्रॉल करता हूँ अपने सेटिंग की ओर। सेटिंग की ओर आने के बाद यहाँ पर स्मार्ट मैनेजर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर से जितने भी सारे ऑप्टिमाइज़ ऑप्शन है आपको मैं जो जो बता रहा हूँ वो आप लोग अपने फ़ोन में सेटिंग कर लेना, पूरा का पूरा आपका बैटरी बैकअप 100% बढ़ेगा आपका लाइव बैटरी का। तो सिंपली यहाँ पर बैटरी वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से पावर सेविंग मोड का ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे मोड्स है, तो आप लोगों को यहाँ पर से देख लेना होगा कौन सा मोड आपका ऑफ है ऑन है। तो सिंपली गाइस पावर सेविंग मोड को मैं कभी भी ऑन नहीं करता हूँ, इस तरह बैटरी का परफॉर्मेंस गिर जाता है, इसलिए कभी भी इसको ऑन नहीं करना चाहिए। सिंपली बैक आता हूँ। बैक आने के बाद जो आपको मैं थ्री डॉट पर क्लिक करने बोला था वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑटो रीस्टार्ट पर जैसे मैं आप लोग क्लिक करता हूँ वैसे ही आप लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके फ़ोन में यहाँ पर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, रीसेट यूर फोन भी ऑटोमेटिकली क्लिक एंड वीक यूर फोन विल रीस्टार्ट विल ऑन हॉर ऑन ऑफ द टाइम यू सेट एनी अंडरस्टैंड डेटा विल बी लॉस यू विन फोन रीस्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है भी बहुत सारा। तो आपको इसको मैं समझा देता हूँ हिंदी में, आप लोगों को इंग्लिश तो समझ आता होगा तो आप लोगों ने समझ लिया। और सिंपली इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, टाइम और डे मिलता है। सिंपली गाइस आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। रीस्टार्ट जैसे कि आप लोग कोई सा भी यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करते हो, जैसे कि रात के 2 बजे मतलब 2 PM या AM को मैं डन करता हूँ, और यहाँ पर डे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मंडे सेलेक्ट करता हूँ। मंडे सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन को जैसे मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद मेरे नाइट में गाइस ये ना 2 बजे मेरा फ़ोन ऑटो रीस्टार्ट होगा, मतलब ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होके स्टार्ट होगा, जिससे कि मेरा बैटरी बैकअप का जो फालतू का बैटरी जो मैं चार्जिंग किया हूँ अपने फ़ोन में फालतू का बैटरी भर चुका है, उससे अगर रीस्टार्ट करोगे तो आपके फ़ोन को तो बैटरी बैकअप और हद तक बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा बैटरी बैकअप को लेकर। तो गाइस यही 2 सेटिंग था, आप लोगों को करके देख लेना अपने फ़ोन में, 100% रियल आपका बैटरी बैकअप बढ़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।